हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे बानी? उम्मीद बा बढ़िया ही होगा। आज की वीडियो में बनाएंगे कम से कम तेल मसालों के साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी, और जिसे जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहना दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोना रखा है गर्म होने के लिए। उसमें मैंने दो लोटा यानी या फिर कहिए दो तीन से तीन गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली, और फिर उसके बाद इसमें हम दाल डाल देंगे। आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल और चने की दाल, कोई सी भी दाल, मटर की दाल के साथ किसी भी साग के साथ बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अरहर की दाल डाली है, और इसे हम पकने देंगे, ताकि दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। फिर उसके बाद आगे की सामग्री जो इसमें हम डालेंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि जो भी सामान हमारे घर पे उपलब्ध है उसी के साथ मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो अब ये पकने लगा है, तो इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी का जो सामान है वो हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसमें हम यहाँ पे एक कटोरी से कम ही, पूरा भर के कटोरी नहीं था, थोड़ा सा हमने चावल को धो के इसमें डाल देना है। और चावल को डालने के बाद इसे भी हम पकने देंगे, और उसके बाद जब ये पक रहा है तो इसमें 4 से 5 लाल मिर्च डाल देंगे। आप इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये सबसे ख़ास बात कि इसे मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ इस रेसिपी को, और इसे हम पकने देंगे। जब ये पक लगे आपको कि काफ़ी पक चुका है, तब उसके बाद इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे, और एक मीडियम साइज़ का आलू इसमें छील के और धो के साफ करके इसमें डाल देंगे। और क्योंकि आलू और टमाटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं, तो इसके लिए हम इसे डाल के इसमें पकाएंगे। और सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकानी है कि ताकि इसे हमें 50% या फिर 60% तक ऐसे ही हमें इसे पकाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें लगभग पक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकी हैं। और अब ये हम इसे छोड़ देंगे गैस बंद करके, और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब टमाटर भी पक चुके हैं, आलू भी पक चुका है, और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कुक हो चुकी है, मतलब कि जितना हमें चाहिए उतना पकी है। और अब इसे हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर में पीस लेते हैं। सबसे पहले हमने टमाटर को छील के डाल दिया है, और उसके बाद इसे हम डाल देंगे। जो इसका पानी है दोस्तों उसके साथ हम इसे पीस सकते हैं, आप जैसा आप गाढ़ा पतला जो चीज़ इस रेसिपी से बनाना चाहते हैं उसके लिए आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसे आप चाहें तो चीला बना सकते हैं, या फिर अप्पे पैन में डाल के अप्पे बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी इससे बन सकती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आमचूर मसाला, और यही मसालों के साथ मैं इसे बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें हमें मसाले नहीं ऐड करना है, और इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी मैंने बहुत थोड़ा सा रखा है, ताकि बस थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर आ जाए, इतना ही मैंने रखा है। आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर ना भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी है दोस्तों। आप इसे बच्चों के लंच में बना के दे सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, या फिर छोटी मोटी भूख है तो उसमें भी आप इसे बना के खा सकते हैं। आपके फैमिली में सबको बहुत पसंद आने वाली है। और इसे अब हम एक थाली में इस तरीके से निकाल लेंगे, और निकाल के फैला देंगे। आप देख सकते हैं इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं रखा है, और इस तरीके से थाली में डाल के इसे हम टैप कर देंगे, और इसे अच्छी तरीके से ताकि ये सेट हो जाए। और सेट होने के बाद यहाँ पे कढ़ाई में 1 गिलास पानी के साथ स्टैंड मैंने रख दिया है, आप यहाँ पे कटोरी के साथ भी इसे रख के बना सकते हैं। और इसे हम ढक देंगे, ढकने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसे मनचाहे शेप में इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी। बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट से बन जाती है ये, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनाने में,
और सबसे अच्छी बात है कि घर पे पड़े सामानों के साथ इसे मैं बना रही हूँ, जो आपके किचन में अवेलेबल हो उसके साथ आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैंने इस तरीके से पीस में कट कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों का तेल मैंने डाला है इसमें, और थोड़ा सा इसमें राई डाला है, और कड़ी पत्ता के साथ इसका तड़का लगाएंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर हम इसमें कलर के लिए डाल रहे हैं, ताकि इसका कलर जो है इसमें भुनने के बाद अच्छा सा आए। तो इसमें भून डाल के हमें बहुत देरी तक नहीं पकाना है, बस तड़के के साथ इसे मिलाना है, और इसे हम इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है दोस्तों, इसे अगर आपने नहीं बनाया हो तो बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से भी हल्का सा नमक ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने पूरा बैटर इसमें नहीं डाला, क्योंकि पूरा बैटर के साथ आप अलग अलग सी रेसिपी भी बना के ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला भी इसमें डाल के बना सकते हैं। और अब ये बनके तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे ही खाएँ, चटनी के साथ खाएँ, कैसे भी खाएँ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं न्यू